हेलो जी नमस्ते छत्तीसगढ़ रोजगार न्यूज़ में आपका स्वागत है मैं हूं विजय चौहान के के और आपके लिए लेकर के आ गए हैं परमानेंट और स्थायी भर्ती की एक और नई नोटिफिकेशन कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है जिला दुर्ग के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत जो है नियमित और सीधी भर्ती जो है यहाँ पर की जाएगी इस भर्ती में उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जो है प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे आज की इस वीडियो में हम आपको जिला दुर्ग के अंतर्गत तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी देंगे किन किन पदों पर भर्ती की जाएगी भर्ती के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है वेतन आपको कितना मिलेगा चयन की प्रक्रिया क्या होगी कब से कब तक आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे सारी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जो है जिला दुर्ग में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत परमानेंट और नियमित भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का जो है प्रकाशन यहाँ पर किया गया है जिसके लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है सताइस तारीख सातवें महीने दो से शुरू हो गई है आप इसके लिए दस तारीख आठवें महीने दो संध्या के साढ़े बजे तक जो है ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी को मिलाकर के लगभग अस्सी से भी ज़्यादा पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं बात करें रिक्त पदों के विवरणों के बारे में तो सबसे पहले नंबर की जो पद रखी गई है ड्रेसर की जिसमें ग्रेड वन और ग्रेड टू दो अलग अलग कैटेगरी में ड्रेसर की भर्तियां की जाएंगी ड्रेसर वन की कैटेगरी में जो है यहाँ पर तेरह पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी और ड्रेसर टू की कैटेगरी में जो है यहाँ पर छः पदों पर भर्तियां की जाएंगी जो अभ्यर्थी ड्रेसर ग्रेड वन की कैटेगरी में तेरह पदों की भर्ती में जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको उन्नीस हजार पाँच सौ रुपये से लेकर के बासठ हजार रुपये तक की जो है प्रतिमा सैलरी दी जाएगी वहीं जो अभ्यर्थी ड्रेसर ग्रेड टू के पद के लिए जो है छह पदों की भर्ती में आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको अठारह हजार रुपये से लेकर के छप्पन हजार नौ सौ रुपये तक की जो है प्रतिमा सैलरी देखने को मिलेगी तीसरे नंबर की जो पद निकाली गई है ओ अटेंडेंस की निकाली गई है जिसमें पाँच पदों पर ओ अटेंडेंस की जो है भर्तियाँ की जाएंगी जो अभ्यर्थी ओपीडी अटेंडेंस के आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पंद्रह हजार छह सौ रुपये से लेकर के उनचास हजार चार सौ रुपये तक की जो है प्रतिमा सैलरी दी जाएगी चौथे नंबर की पद निकाली गई है भृत्य की जो कि चतुर्थ श्रेणी का पद है आठ पदों पर वृत्त की जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी पंद्रह हज़ार छः सौ रुपये से लेकर के उनचास हज़ार चार सौ रुपये तक की जो है प्रतिमा इनको भी सैलरी दी जाएगी पाँचवें नंबर की पद है भृत्य या फिर वार्ड बॉय की दो अलग अलग कैटेगरी जो है इसमें शामिल किए गए हैं ग्यारह पदों पर जो है भृत्य या फिर वार्ड बॉय के पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी पंद्रह हज़ार रुपये से लेकर के उनचास हज़ार चार सौ रुपये तक का प्रतिमा आपको इसमें भी सैलरी देखने को मिलेगा छठे नंबर की पद निकाली गई है आया की जिसमें केवल महिला अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे आया की टोटल 26 पदों पर जो है भर्ती होगी 15,600 हजार छह सौ से लेकर उनचास हजार चार सौ तक का प्रति माह में भी आपको वेतन देखने को मिलेगा सातवें नंबर की जो पद निकाली गई है स्वीपर की जिसमें ग्यारह पदों पर स्वीपर की भर्ती होगी पंद्रह हज़ार छह सौ रुपये से लेकर के उनचास हजार चार सौ रुपये तक का इसमें भी आपको वेतन देखने को मिलेगा वहीं चौकीदार की भी भर्ती की जाएगी जिसमें चौकीदार की आठ पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती होगी पंद्रह से उनचास तक का जो है आपका वेतन देखने को मिलेगा तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में टोटल आठ अलग अलग कैटेगरी में जो है अठासी से भी ज्यादा पदों पर परमानेंट और स्थायी भर्तियां निकाली गई हैं जिसके लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यार्थी जो है ऑनलाइन आवेदन जो है प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे वही बात करें इन पदों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में तो जो अभ्यर्थी ड्रेसर ग्रेड वन के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनके पास जो है बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने की डिग्री होनी चाहिए विज्ञान विषय के साथ साथ ही साथ अर्थोपैडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने का भी जो है डिग्री होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल के अंतर्गत ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना जरूरी है तो तीन तरह के जो है ड्रेसर ग्रेड वन की भर्ती में जो है शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पैरामीटर्स रखे गए हैं इन तीनों पैरामीटर्स को अगर आप पूरा करते हैं तो आप ड्रेसर ग्रेड वन के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे दूसरे नंबर की पद है ड्रेसर ग्रेड टू जिसमें केवल यहाँ पर दसवीं कक्षा पास यहाँ पर मांगा गया है तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन कक्षा दसवीं पास करने की है वे जो है ड्रेसर ग्रेड टू के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे बाकी सभी पद जैसे कि ओपीडी अटेंडेंस धृत्य वृत्य या फिर वार्ड बॉय आया स्वीपर और चौकीदार इन सभी पदों के लिए जो है केवल यहाँ पर आठवीं कक्षा पास मांगा गया है तो तीसरे नंबर से लेकर के आठवें नंबर तक के जितने भी पद यहाँ पर रखे गए हैं इन सभी पदों में जो है आठवीं कक्षा पास मांगा गया है तो जो भी अभ्यर्थी आठवीं कक्षा पास हैं ओपीडी अटेंडेंस धृत्य वार्ड बॉय आया स्वीपर या फिर चौकीदार के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे वही बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में तो जो भी उम्मीदवार इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहाँ से जुड़ करके आप ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे वही बात करें आवेदकों की आयु सीमा के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे अठारह से पैंतीस वर्ष की आज जो है आयु सीमा रखी गई है साथ ही साथ यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में दिशा निर्देश भी बताए गए हैं कि जो भी अभ्यर्थी इस पद की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं विभागीय वेबसाइट www.durga.gov.in में जाकर के भी इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे वहीं बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी इन पदों की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनके शैक्षणिक योग्यता अनुभव के आधार पर जो है उनको प्राथमिकता दिया जाएगा और उसी के आधार पर जो है यहाँ पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसी के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर किया जाएगा इस वीडियो से जुड़ी किसी तरह के आपके कुछ प्रश्न हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो का लाइक करिए लोगों के पास शेयर करना ना भूलिए और ऐसे ही रोजगारप्रक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में